मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऊर्जा समुद्री ऊर्जा या समुद्रों से ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो समुद्री ऊर्जा होती है इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ज्वरी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरी तापी ऊर्जा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ज्वरी ऊर्जा। तो ज्वरी ऊर्जा क्या होती है, ज्वरी ऊर्जा वो होती है जब समुद्र की जल हमें उतार चढ़ाव होती है, जैसे जल का जो बहाव होता है, स्तर होता है, वो ऊपर की ओर चढ़ता है या नीचे की ओर गिरती है, तब क्या होता है, ये इसके गिरने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा को ज्वरी ऊर्जा कहा जाता है। और इस ज्वरी ऊर्जा से एक यह जल के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इस ज्वरी ऊर्जा को एक जगह बांध बनाकर क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। फिर इस बांध के जो जल होती है इसमें टरबाइन के माध्यम से टरबाइन को घुमाकर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में इसको रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये ज्वरी ऊर्जा। सेकेंड है ये तरंग ऊर्जा। तो तरंग नाम से स्पष्ट है, जब तरंगे उत्पन्न होती है और इन तरंगों की ऊर्जा से तरंग क्या होता है, जब समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, समुद्र के तट पर क्या होता है, विशाल लहर उत्पन्न होती है, तो इन लहरों से एक तरंग के गति से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी गतिज ऊर्जा में टरबाइन के माध्यम से उसको टरबाइन को घुमाकर उसको विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा में बदलकर इस ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। फिर है थर्ड महासागरी तापी ऊर्जा। महासागरी तापी ऊर्जा क्या होता है, महासागर या समुद्र की जो जल की पृष्ठ स्तर होती है, ऊपर की स्तर और मध्य स्तर, तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें इस जल के ऊपर पड़ती है तो ऊपर की जल का जो स्तर होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और जो मध्य स्तर होती है वो क्या होता है, ठंडी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की जो स्तर होती है वो गर्म होती है लेकिन मध्य की जो जल का भाग होती है वो ठंडी होती है। तो दो अलग अलग ताप तापांतर है, यहाँ पर दो अलग अलग ताप मिल रहा है, तो इन जो अंतर होती है, तापों में अंतर होती है, इसी को ही सागरीय तापी ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र कहा जाता है या इसको ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट OTEC के नाम से, विद्युत संयंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसी से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तापों में जो अंतर होती है उसे ही तापों के माध्यम से एनर्जी प्राप्त करती है तापी ऊर्जा, महासागरी तापी ऊर्जा इसको कहा जाता है। फिर आगे भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी भूतापी ऊर्जा क्या होती है, भौमिकी परिवर्तन के कारण भू प्रॉपर्टी में क्या होता है, भू प्रॉपर्टी की जो गहराई होती है उसमें ताप के कारण चट्टाने क्या होती है, पिघल जाती है और इस चट्टाने के पिघलने से वो क्या होती है, आगे की ओर जो चली जाती है और एक जगह जाके वो क्या होती है, एकत्रित हो जाती है। और जिस क्षेत्र में एकत्रित होती है उसी क्षेत्र से जब जल की बहाव इसके संपर्क में आती है तो क्या होता है, जल के संपर्क में आने से एक भाप उत्पन्न होती है, क्या होता है, चट्टाने पिघल कर एक जगह स्थिर हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और वहां पर जब जल की बहाव आती है तो जल और वो चट्टान के जो संपर्क होती है उससे वो क्या होता है, जल जो है भाप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और भाप उत्पन्न होने लगती है। फिर क्या होता है, यही भाप चट्टानों के बीच किसी एक भाग में फंस जाती है और वहां से निकलने के लिए इसको एक निकास मार्ग की आवश्यकता होती है। इसी निकासी मार्ग को गर्म चश्मा या ऊर्जा उष्मा स्रोत भी कहते हैं। फिर क्या होता है, आगे भाप चट्टानों में जो फंसी होती है उसमें एक दबाव उत्पन्न होती है, मतलब एक दबाव पड़ता है जिसको, इस दबाव के कारण से क्या होता है, भाप में को पाइप डालकर बाहर निकाल लिया जाता है और उसी भाप में फिर टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको भूतापी ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। फिर आगे है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय परमाणु या नाभिक के भागों से जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तब क्या कहते हैं उसको, नाभिकीय ऊर्जा। जैसे नाभिक किससे घिरा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों से वो क्या होता है, घिरी हुई होती है ना। तो जो नाभिक जो भाग होती है, बीच सेंटर क्या कहलाती है, नाभिक कहलाती है। नाभिकीय भाग जो होती है असीमित ऊर्जा का भंडार होता है, वहां बहुत सारी ऊर्जा पाई जाती है और ये ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय विखंडन द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है और दूसरा नाभिकीय संलयन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो नाभिकीय
विखंडन किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन क्या होती है? जब एक भारी नाभिक होती है या कोई भारी विशाल पदार्थ होती है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल्के नाभिकों में जब उसको तोड़ा जाता है तब जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो नाभिकीय विखंडन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, नाभिक के विखंडन से नए उत्पाद जो बनती है उसका द्रव्यमान, मूल जो नाभिक होती है उसकी द्रव्यमान से क्या होती है, कम होती है। यहाँ उदाहरण दिया है यूरेनियम। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी एक कार्बन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी क्या होगी, अधिक होगी। क्या बताया जा रहा है यहाँ, यूरेनियम की जो एक परमाणु के विखंडन है उससे जो मुक्त ऊर्जा होती है वो कोयले के किसी एक कार्बन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा के कितनी गुनी अधिक है, 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। और इससे जो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहेंगे। ये तो ये इसका भी अलग और प्रकार होती है, जैसे श्रृंखलन अभिक्रिया। श्रृंखलन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक श्रृंखला नाभिक जो होती है बड़ी नाभिक होती है वो दो हल्के नाभिक में टूटती है तो क्या होता है, वो एक श्रृंखला में टूटती जाती है। जैसे यहाँ यूरेनियम 235 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, बमबारी करते हैं, मतलब उसको खंडों में तोड़ा जाता है, तो खंडों में तोड़ा जाता है तो एक एक श्रृंखला में क्या हो रही है, टूट रही है, तब इसको हम श्रृंखला ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है नियमित अनियमित श्रृंखला ऊर्जा और दूसरा होता है नियमित श्रृंखला ऊर्जा। नियमित श्रृंखला अनियमित श्रृंखला ऊर्जा किसे कहेंगे, अनियमित या अनियंत्रित श्रृंखला ऊर्जा उसको कहते हैं जब ये नियंत्रित होती है। एक न्यूट्रॉन पुनः 3 यूरेनियम परमाणु का विखंडन करते हैं और प्रत्येक परमाणु से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होती है। विखंडन की इस प्रक्रिया में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है और कुछ क्षणों में यह पदार्थ विखंडित हो जाती है। इस अभिक्रिया से विशाल मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसमें क्या होती है, ये नाभिकीय ऊर्जा रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होती है, इससे प्राप्त ऊर्जा अभिक्रिया कृत्रिम उपायों द्वारा इसको प्राप्त की जाती है। इस विखंडन में न्यूट्रॉनों से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडित होकर आगे की ओर बढ़ेगी। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन मतलब जैसे एक जो नाभिक है उसके विखंडन से 3 न्यूट्रॉन बना है तो आगे 3 अलग अलग और यूरेनियम परमाणु का निर्माण होगा। लेकिन इसमें एक ही न्यूट्रॉन से केवल एक न्यूट्रॉन ही आगे की ओर विखंडित होते जाएगी। तो ये है अनियमित श्रृंखलन और ये नियमित श्रृंखलन। इसमें नियमित रूप से और कृत्रिम उपायों के द्वारा जब इसको विखंडित की जाती है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो अभिक्रिया है ये धीमी गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अनियमित श्रृंखलन ऊर्जा और नियमित श्रृंखलन ऊर्जा में अंतर है।